नाज़रीन टूवाइस में मैं मोहम्मद समद आपका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में वीएचपी को मुल्क भर में बैन के खिलाफ वीएचपी मुल्क भर में एहतजाज कर रही है और इसी तरह तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद में भी बतौर एहतजाज वीएचपी पार्टी वर्कर्स ने आज पुराने शहर के हैदराबाद के चार मीनार के पास की मंदिर में हनुमान चालीसा करे। आज विश्व हिंदू परिषद के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के आह्वान पर हम लोग पूरे देश भर में हनुमान चालीसा का पारायण कर रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी अपने पास ये पीएफआई से तुलना करते हुए बजरंग दल को बैन करने का सोच रहा था। बोले भाई जमीन आसमान का फर्क है, ये किधर, ये तो है सुरक्षा संस्कार, और इसके लिए करते बजरंग दल। और जो पीएफआई वो तो देशद्रोही है, वो तो उनका आवाज मतलब नारा है 2047 तक हम गजवाए हिंद बनाएंगे, ऐसा वो लोगों का आलोचना है। तो उनको हमारे को जो एक पेड़ कर रहे हैं वो गलत है, उसको हम खंडन कर रहे हैं, बना रहे हैं या कभी उनको खुश कभी इनको खुश। हाँ वो जो कांग्रेस वाले कर रहे हैं बिल्कुल ये धर्म आधार पर, लेकिन कभी भी हिंदू कोई भी ऐसा नहीं सोचता। हिंदू तो सब सौरव मानव गौतम और वसुदेव कुटुंबम सोचने वाला है, हिंदू कभी भी एक धर्म बहुल सोचने वाला है, दूसरे मत जो है वो अपने अपने सोचते हैं, लेकिन हिंदू कभी भी एक नहीं सोचते। सर केरला फाइल पे क्या मैसेज है आपका? केरला फाइल वो वास्तव है, फैक्ट्स के ऊपर सीमा निकाला गया है, इसीलिए उसको बैन नहीं करना चाहिए। और जो दो तीन सरकार टैक्स भी फ्री करे, वैसे मैं तेलंगाना सरकार को भी पूछता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी आप जो सेक्युलर गवर्नमेंट बोलते टैक्स फ्री कर दे तो पूरे लोग देखेंगे और यहाँ के लोग पूरे मतलब ये सब जो अपने को ढांचा दे के जो कर रहे लोग ये पूरा खुल के आएगा और लोग अपने जगह अपने को बचाने के लिए तैयार रहेंगे। कल वेंकटरमणा में कुछ याद सोचते हैं? नहीं उनको करना ऐसा कहीं भी रोकना नहीं, कोई भी नहीं रोकना चाहिए, कौन रोके कल रात में रोक। नहीं नहीं उसका खंडन कर रहे हैं और पुलिस वालों से हम बोलेंगे तो सेंसर बोर्ड भी है, सेंसर होने के बाद आप लोग क्यों नहीं रोकने वाले, आप रोक ही नहीं सकते।